दोस्तों आप सभी ने गोरिल्ला ग्लास का नाम सुना होगा, आपके स्मार्टफोन्स में यूज़ किया जाता है। अलग अलग वर्जन है उसके, 1 से लेकर 6 तक बनाया जा चुका है। ये वो तकनीक का नाम है जो कांच को टूटने और खरोंचे जाने से बचाती है। अभी के ज़्यादातर स्मार्टफोन्स में गोरिल्ला ग्लास 3 और 5 का यूज़ होता है, तो क्या कारण है कि अभी भी गोरिल्ला ग्लास 5 आने के बाद भी गोरिल्ला ग्लास 3 का यूज़ किया जा रहा है? क्या है 5 से बढ़िया है? इस वीडियो में मैं आपको गोरिल्ला ग्लास के बारे में सभी कुछ बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक गैजेट्स। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक गैजेट्स को और साथ ही प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल आइकन हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वैसे गोरिल्ला ग्लास का यूज काफी अलग अलग चीजों में और अलग अलग इंडस्ट्रीज में किया जाता है। कॉर्निंग इंक कंपनी ने इसे इन्वेंट किया था। गोरिल्ला ग्लास एक ग्लास है जो अल्कली एल्यूमिनोसिलिकेट नामक सामग्री से बनता है, जो एक साथ एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन को मिलाकर बनता है। ये नेचुरली नहीं मिलता, इसे बनाया जाता है। कॉर्निंग ने 2005 के बीच में इस पर काम शुरू किया था। इसमें ग्लास के टूटने या खरोंच से बचने पर काम हुआ था। इसे हल्का और पतला बनाया गया था। ऐसा नहीं है कि कॉर्निंग ने गोरिल्ला ग्लास ही सबसे पहले बनाया था। इससे पहले भी कंपनी ने दूसरी तरह के ग्लास इन्वेंट किए थे, जो कि घरेलू वस्तुओं जैसे चश्मे, कार और इसके अलावा एरोस्पेस के लिए भी उपयोग किए गए थे। वैसे स्मार्टफोन्स के साथ कॉर्निंग की असली सफलता 2010 में शुरू हुई। ये एक ऐसी तकनीक है जो हथौड़े से मारने पर भी नहीं टूटती है। लेकिन गोरिल्ला ग्लास आपके स्मार्टफोन या टैबलेट को बिल्कुल ही ना टूटे ऐसा नहीं बनाता। सब कुछ ग्लास के वर्जन और कुछ दूसरे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि ग्लास की मोटाई और यूज करने का तरीका। गोरिल्ला ग्लास 1 2005 और 2006 के बीच तैयार हुआ था। इसकी बड़ी शुरुआत आईफोन के साथ हुई थी। एप्पल ने 2007 में अपने डिवाइस को दुनिया के लिए जारी किया। इसमें एक ओलोफोबिक कोटिंग भी थी, जिससे उंगलियों के निशान आसानी से ना छपे। अच्छा, आईफोन अकेला ऐसा स्मार्टफोन नहीं था जिसमें इसकी डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास था। कॉर्निंग ने अपने फर्स्ट जनरेशन गोरिल्ला ग्लास को ही लगभग 250 अलग अलग डिवाइसेस पर लगाया था। 2012 में कॉर्निंग ने गोरिल्ला ग्लास 2 को मार्केट में निकाला। ग्लास की स्ट्रेंथ सेम ही थी, लेकिन इसकी मोटाई पर काम किया गया था। दूसरी पीढ़ी पहले मॉडल की तुलना में 20% पतली थी। ये वर्जन पतला था, इसलिए इसमें मैन्युफैक्चरर्स को अपने फ़ोन को हल्के और पतले मॉडल विकसित करने में सहायता मिली। नेक्सस 4 और गैलेक्सी S3 में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 2 यूज़ किया गया था। अच्छा, पहले हम सभी अपने स्मार्टफोन्स को बड़े ध्यान से रखते थे। मोबाइल्स गिरते कम थे, लेकिन उस पर स्क्रैचेस आ जाते थे, तो कॉर्निंग ने मोबाइल्स को स्क्रैचेस से बचाने पर ध्यान दिया। ऐसा ग्लास बनाया जिस पर आसानी से स्क्रैच ना पड़े। तो गोरिल्ला ग्लास 3 में कॉर्निंग ने पिछले वर्जन से अलग मोटाई थिकनेस की जगह इसकी स्ट्रांगनेस पर ध्यान दिया। इस वर्जन में कॉर्निंग ने नेटिव डैमेज रेजिस्टेंस तकनीक की शुरुआत की, जिससे ग्लास को और भी गहरी खरोंच से बचाया जा सके। कॉर्निंग के अनुसार थर्ड वर्जन ने डिस्प्ले पर 35% तक खरोंच को रोका। थर्ड वेरिएंट में कॉर्निंग ने गोरिल्ला ग्लास 3 को पहले के कंपैरिजन में 3 गुना स्ट्रांग बनाया। गोरिल्ला ग्लास 3 को 2013 में जारी किया और इसका इस्तेमाल गैलेक्सी S4 और अभी भी इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि सैमसंग M31, S30, A71, Realme Narzo 10, Realme 6, Realme 5 Pro और भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं, मॉडल्स हैं जिनमें इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद आया भैया कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 4। 2014 में कॉर्निंग ने अपने गोरिल्ला ग्लास को एक नए पर्पस के साथ प्रस्तुत किया। इसमें एक सर्वे से कंपनी को पता चला कि 70% जो सेल फोन्स की स्क्रीन है वो मोबाइल के गिरने के कारण टूटी थी, और इसलिए इसने अपने ग्लास को मजबूत करने में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। गोरिल्ला ग्लास 4 को गिरकर टूटने से बचने पर ध्यान देकर बनाया गया। गैलेक्सी नोट 5 और ज़ेनफोन 2 लेज़र जैसे कुछ मॉडल हैं जो गोरिल्ला ग्लास की चौथी पीढ़ी के साथ आए थे। इसके बाद आया गोरिल्ला ग्लास 5। तो भैया पांचवी पीढ़ी को भी मोबाइल को गिरकर टूटने से बचने पर ही ज़्यादा ध्यान दिया गया, और कंपनी ने दावा किया कि ये गोरिल्ला ग्लास 4 से 4 गुना स्ट्रांग है। बेसिकली गोरिल्ला ग्लास 3 से आपका मोबाइल स्क्रैच से ज़्यादा बचेगा, लेकिन गिरकर टूट सकता है, और गोरिल्ला ग्लास 5 आपके मोबाइल को गिरकर टूटने से बचा सकता है, लेकिन उस पर स्क्रैच पड़ सकते हैं। इस अलग अलग टेक्नोलॉजी की वजह से ही यूज़र्स को ध्यान में रखकर स्मार्टफोन्स में वर्जन 3 या वर्जन 5 का ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। इसके बाद आया गोरिल्ला ग्लास 6। तो गोरिल्ला ग्लास 6 5 से दोगुना मजबूत है। इसका इस्तेमाल आज सैमसंग गैलेक्सी S10 सीरीज़ जैसे फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में किया जाता है।
गोरिल्ला ग्लास के अलावा भी कई सारे स्क्रीन प्रोटेक्शंस हैं जिनका यूज़ किया जाता था और है भी। जैसे कई सारे सोनी डिवाइसेज में शटर प्रूफ ग्लास का यूज़ किया जाता है। ड्रैगन टेल भी एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये सभी गोरिल्ला ग्लास जैसे प्रसिद्धि नहीं पा सकी। अच्छा, अगर आपको भी पता करना है कि आपके मोबाइल में गोरिल्ला ग्लास लगा हुआ है या नहीं, और अगर लगा हुआ है तो कौन सा वर्जन है, तो आप कॉर्निंग की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है जिससे आपको वेबसाइट पर सेक्शन नहीं ढूंढना पड़ेगा। आप डायरेक्ट क्लिक करके आप अपना मोबाइल ब्रांड पर क्लिक करेंगे और आपको पता लग जाएगा कि आपके मोबाइल में गोरिल्ला ग्लास है या नहीं है। और अगर आपका मोबाइल उस लिस्ट में नहीं है तो इसका मतलब आपके मोबाइल में कॉर्निंग ग्लास नहीं है। तो बस यही था। तो आज मैंने आपको बताया कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के सभी वेरिएंट के बारे में और इनके क्या क्या फीचर्स हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगी और आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।